फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट सिग्नल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में आपको वी गार्ड कंपनी का रूम हीटर, जो कि हमारा 2000 वॉट का है। तो इस डब्बे को हम ओपन करते हैं, देखते हैं इसके इससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में, इसमें कौन से बटन कैसे यूज़ होंगे, कौन से मोड हमको कैसे यूज़ करना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले हम बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या मिला हुआ है। तो ये रहा हमारा मेन यूनिट, जो कि हमारा रूम हीटर है, और ये इससे रिलेटेड कुछ मैनुअल वगैरह मिल जाते हैं। इसको हम साइड रखते हैं, बात करते हैं अपने मेन यूनिट के बारे में। ये रहा हमारा मेन रूम हीटर, जो कि आप देख रहे हैं वीडियो में। छोटा सा है, प्यारा सा है, आप कहीं इजी टू कैरी है, आप कहीं भी इसे ले जा आसानी से ले भी जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ इसके मोड्स वगैरह और यहाँ पे कुछ डीमर वगैरह भी दिए हुए हैं, वो सारे डीमर के फंक्शन आपको मैं बताऊँगी। उससे पहले आपको दिखा दें इसके थोड़ा लुक के बारे में। पीछे में आप देख लीजिए, पीछे में हमारा इनलेट दिया हुआ है, जहाँ से कि हमारा जो एयर है वो इनलेट होगा और यहाँ से आगे से हमारा जो एयर है वो आउटलेट होगा। पीछे में हमारे कुछ निक्रोम के वायर भी लगे हुए हैं अंदर में, वैसे तो आपको अभी वीडियो में दिखेंगे नहीं, यहाँ पे हमारे निक्रोम के वायर लगे हुए हैं। और आगे में हमारा एक फ़ैन लगा हुआ है, जिससे कि जैसे हम प्लग इन करेंगे तो जो हमारा निक्रोम का वायर है वो जैसे वो हमारा हीट होते जाएगा, और हमारा जो फ़ैन है, जैसे हम फ़ैन है जो हमारा, वो बाहर में गर्म हवा फेंकेगा। तो इसको अभी हम प्लग इन करेंगे, देखेंगे कि कैसे हमारा ये वर्क करता है। उससे पहले हम जान लेते हैं इसके कुछ फंक्शन के बारे में। यहाँ पे आपको जैसे बता दें कि यहाँ पे हमारा एक स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा ऑफ़ लिखा हुआ है। जैसे हम इसको ऑफ़ पे करेंगे, ये हमारा बिल्कुल ही ऑफ़ रहेगा। और यहाँ पे हमारे दो मोड्स दिए हुए हैं, एक फर्स्ट डॉट, यहाँ पे डबल डॉट दिया हुआ है। तो जैसे हम अगर फर्स्ट डॉट पे करेंगे तो हमारा जो एयर है वो गर्म निकलना स्टार्ट होगा, लेकिन टेम्परेचर कुछ हमारा जो रहेगा कम रहेगा। और जैसे ही हम अगर सेकेंड डॉट पे करते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एयर की जो स्पीड है सेम रहेगी, जैसे कि हमारे सिंगल मोड पे रहती है। तो ये है हमारे इस दोनों डॉट के फंक्शन। और यहाँ पे हमारे कुछ डीमर वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ पे हमारे फ़ैन के स्पीड का फंक्शन दिया हुआ है। अगर आप अब चाहते हो कि कुछ ज़्यादा आपको हवा ले, तो यहाँ पर आप यहाँ से आप हवा का स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ से आप एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ से अगर आप चाहो डायरेक्ट बंद करना तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट बंद कर सकते हो। उसके लिए आपको बस इसको ऐसे बस रोटेट करते जाना है, जैसे जैसे आप इधर से लो से हाई की तरफ रोटेट करोगे, जो हमारी फ़ैन की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पे एक हमें इंडिकेटर मिल जाता है, जैसे ही हम इसको प्लग इन करेंगे हमारा जो इंडिकेटर है वो जल जाएगी, जिससे पता चलेगा कि हमारा जो ये मेन यूनिट है इसमें हमारा जो पावर सप्लाई है वो आ चुका है। और नीचे में हमें कुछ ग्रिप वगैरह मिल जाते हैं इसको, ताकि हम इसको अच्छे से स्टैंड कर सकें। स्टैंड करेंगे तो हमारी यहाँ पे ग्रिप पहले से दे हुई रखी है, जैसे हम इसको स्टैंड करेंगे हमारी जो ये हीटर है वो गिरने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो आपको मैंने बताया इसके बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, और इसमें कुछ इसमें ज़्यादा फंक्शन दिया नहीं है। पीछे में जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी निक्रोम की वायर लगी हुई है, और इसके अगर हम कॉर्ड की बात कर लें, अगर कॉर्ड की लेंथ की बात कर लें तो हमारा 2 मीटर का दिया हुआ है। यहाँ पे 3 पिन का हमारा प्लग दिया हुआ है, जिससे कि हमारा शॉर्ट सर्किट होने का चांस कम रहता है। तो आइए हम सबसे पहले इसको प्लग इन करते हैं और देखते हैं थोड़ा इसको रन करा के कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इसको प्लग इन करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने इसको प्लग इन कर दिया है, अब इसको थोड़ा यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे। तो अभी मेरा ये ऑफ है, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। आपको बता दें कि जैसे हम इसको फर्स्ट डॉट पे करेंगे तो जो हमारा एनर्जी कंजप्शन है, जो हमारा एनर्जी कंज्यूम करेगा वो हमारा 1000 करेगा, 1000 वॉट करेगा। और जैसे ही हम डबल डॉट पे करते हैं तो हमारा 2000 वॉट कंज्यूम करेगा एनर्जी। तो आइए सबसे पहले हम इसको फर्स्ट मोड पे करते हैं और इसको ऑन करते हैं। जैसे हमने ऑन किया, ये देखिए हमारी जो यहाँ की इंडिकेटर है वो रेड कलर की जल चुकी है, और यहाँ पर जो हमारी फ़ैन है वो स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। लेकिन जो हमारी अभी एयर निकल रही है वो हल्की गर्म निकल रही है। जैसे ही हम इसको डबल मोड पे करेंगे, डबल डॉट पे करेंगे, जो हमारी एयर की जो हीटनेस है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो अभी हम इस पर करेंगे तो हमारी जो हीट निकल हमारी जो एयर निकल रही है वो पहले के मुताबिक ज़्यादा हीट निकल रही है। और यहाँ पर हमारी इसका स्पीड का, फ़ैन के स्पीड का यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, देखिए। इसको अगर हम यहाँ पे अगर कर देंगे तो हमारी जो है डायरेक्ट हमारी रुक जाएगी, और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे जो हमारी फ़ैन है वो स्टार्ट हो जाएगी, और जो फ़ैन का स्पीड है हमारा तेज़ हो जाएगा।
तो हाईएस्ट हम यहाँ तक ले जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसके बारे में, इसका कैसे वर्क है उसके बारे में मैंने बताया, इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की भी मैंने बात की आपको पहले। आपको बता दें कि इसका जो वोल्टेज है वो हमारा 230 वोल्ट का है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ज की दी हुई है। पावर के मैंने आपको पहले बताया, पावर इसका 2000 वाट दे चुका है और कोड मैंने बताया ही, कोड का लेंथ हमने आपको बताया जो कि हमारा 2 मीटर के करीब दे रखा है। और तो इसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं हुआ है गाइस, लगभग इससे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। और चीज़ आपको बता दें कि इसमें हमारी 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है आपको, हम डब्बे पे भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 2000 वाट जिसका कि मैंने आपको पहले बताया, एनर्जी कंजप्शन के बारे में मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 ईयर वारंटी हमको पहले से डब्बे पर लिखी हुई है। इसकी अगर हम प्राइस की बात कर लें तो हमें डब्बे पर 2300 हमें अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन ख़रीदना चाहें तो आपको 20 या 25 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, वहां से आप जाके अच्छे से परचेज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से आप जाके आसानी से परचेज कर सकते हो। उम्मीद करते हैं गाइस मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।